नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल की हत्या के मामले में अब नया मोड़ आ चुका है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई ने संदीप नांगल की हत्या की जिम्मेदारी ली है, तो वहीं एक और कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया ने उस पोस्ट को फर्जी बताया जिसमें जग्गू भगवानपुरिया नाम के फेसबुक आईडी पर लिखा है कि संदीप नांगल हमारा भाई था और हमेशा रहेगा। बहुत दुख है उसके चले जाने का। रोज रोज संदीप जैसे बेटे पैदा नहीं होते। हम कबड्डी को प्रमोट करते हैं बिना किसी बात के फेक न्यूज ना चलाए जाए और सबसे पहले सब कुछ वेरीफाई किया जाए उसके बाद चलाया जाए, ऐसा कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया ने लोगों को वार्निंग दी है। उधर मंगलवार को इंग्लैंड कबड्डी फेडरेशन के प्रधान सुरेंद्र सिंह मानक ने पत्रकार वार्ता कर आनंदपुर होला मोहल्ला में होने वाले टूर्नामेंट समेत बाकी सारे टूर्नामेंट रद्द करने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही नॉर्थ इंडिया कबड्डी फेडरेशन के सुरजन सिंह चड्ढा और हरदीप सिंह सुखी ने घटना की निंदा करते हुए लिखा कि एक हफ्ते तक लोग कोई भी टूर्नामेंट नहीं कराएंगे, उसके बाद बैठक कर अगली रणनीति तैयार की जाएगी। उनका कहना है कि हत्याकांड के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है, ना ही कोई ऐसा मामला सामने आया था जिससे संदीप की कोई भी पुरानी रंजिश सामने आए। उन्होंने फेडरेशन में गैंगस्टर की किसी भी भूमिका की शमूलियत होने की बात से इनकार किया है। टीम बीडीएफ न्यूज। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए बीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।